अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त शाम के तकरीबन 4:30 का टाइम है और सूरज अपने ग़ुरूब की तरफ गामजन है और ये मेरी फ़सल है, तकरीबन 11 नवंबर की काश्त है। अभी हमारी ज़मीन में वतर ठीक ठाक है, ये आपको मैं चेक करा लेता हूँ कि वतर की क्या कंडीशन है। ये देखें, ये वतर है हमारी ज़मीन के अंदर, इसको पानी लगे हुए तकरीबन 15 दिन हो गए। ये हमारी दरियाई ज़मीन है, वतर बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरे हाथों को भी पानी लग गया, तो इसमें इतना अच्छा वतर है कि इसे हम मतलब एक तरह का ये मेरे पाँव के निशान पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो अभी फसल जो है ना वो पानी बिल्कुल नहीं मांग रही, लेकिन अब हमारी जो गंदम में है ना, आगे ये डार्क पैचेस, यहाँ तक तो फसल ठीक है बिल्कुल। ये आपको ऊपर हल्के से येलोश पैचेस नज़र आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन भी एक्सीलेंट है, माशाल्लाह ज़बरदस्त है फसल। तो अभी फिर हमने ये तकरीबन शाम के वक्त, अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि जी ये हमने इसमें ये हमने यूरिया का छटा करवाया है, ये वाला। तो इसमें जो हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस दफ़ा जो मौसम की शिद्दत है, मौसम एकदम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बहुत डिफरेंट है, और गंदम जो है ना हमारे अक्सर एरियाज़ में फार्मर की रिपोर्ट आ रही है कि गंदम पैचेस दे रही है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एक ये इस लाइन में ये बिल्कुल जो है ग्रीनिश पैच जा रहा है, और यहाँ पर फिर हमारा लाइट जो है ना, यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि एक हल्का सा ग्रीन लाइट ग्रीनिश पैच जा रहा है। अब आगे आते हैं तो ये यहाँ पर देख लें, फिर एक और पैच आ गया, यहाँ से गंदम आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर ये एक पीली घारी आ गई, फिर आगे इस तरह ये घारियाँ नज़र आ रही हैं। अब इस पर पीछे हम आते हैं तो ये वाला जो हमारा एरिया है ये बेहतरीन है। वजह क्या है, यहाँ पर मैं बंदे पे खड़ा हूँ, तो वजह ये है कि वो हमारी ऊपर जो है ना वो कसी जा रही है। तो वो समटाइम ये होता है कि पानी जो है ना वो कहीं ना कहीं से लीक हुआ, हमारा बेड का एरिया है, कच्चा एरिया है, तो पानी लीक हुआ, तो उस वजह से यहाँ पर हमें मसले नज़र आ रहे हैं। मसला सिर्फ जो है ना वो अपना ज़्यादा नमी का है, वाटर लॉगिंग का है। तो इस वजह से अब यहाँ पर आपको नज़र आएगा, इस वजह से अगर हम आप इसको कवर नहीं करते तो गंदम अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर ही यहाँ पर हमारी गंदम पीली होना शुरू हो जाएगी और फिर हमें इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए जब डार्क से लाइट ग्रीनिश गंदम हो जाए, ये आपको नज़र आ रही होगी, जब डार्क से यहाँ पर एक पैच है, ये ड्रिल की वजह से है, गंदम का बीज यहाँ पर नहीं गिरा, तो जब गंदम हमारे हिसाब से जब डार्क से ये एक पैच आ गया, तो जब ये एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि इसमें हमारे खाद के छट्टे करने वाला के भी कमाल होता है कि समटाइम वो जो होता है ना, ये बल्कि यहाँ से भी आ रहा है, इसको पीछे से देखा जाए तो ये वाकई छट्टे वाले का जो है ना वो यहाँ पर छट्टे वाला गया होगा, यहाँ उसने अच्छी खाद डाली है, आगे फिर उसका हाथ लंबा हो गया या उसने एरिया लंबा कवर कर लिया, उस वजह से पैच आ जाता है। तो हमारा हमेशा यही हमारी अप्रोच रहती है कि जी इसको आप जो है ना वो टाइम को ना देखें कि कब पानी लगना है। पानी लगने तक तो हमारी, अगर हम इसको पानी पर ही अगर फर्टिलाइज़र का सोचें तो हमारी गंदम का तो सत्यानाश हो जाएगा, हमारी गंदम का कबाड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए अब ये जो हमारी जो लाइट ग्रीनिश लाइनें आ रही हैं, उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि ओवरऑल सारी गंदम को अब मैं एक बोरी यूरिया की फी एकड़ इसमें, ये देखें यहाँ पर ये गड़बड़ है, अब यहाँ पर ये ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कवर करने के लिए एक बोरी यूरिया फी एकड़ का अभी छटा करवा रहे हैं। उससे ये होगा कि अभी ये ट्रलिंग स्टेज पर है, तो ये जो पैचेस आ रहे हैं ये रैपिडली, इसको मैं फिर आपको एक हफ़्ते बाद दिखाऊंगा, रैपिडली कवर हो जाएंगे। कवर होने के बाद फिर हमारी गंदम जो है ना, ये आपको माशाल्लाह इसकी प्लांट पॉपुलेशन नज़र आ रही है, तो ये जो पैचेस है ना ये कवर हो जाएंगे, बाकी जो गंदम के जो निचले टिलर्स हैं ये वाली खुराक हमारी बेट जो ज़मीनें हैं ये पानी नहीं मांगेंगी, लेकिन अब पानी के आने तक हम बेशक इसको 10 से 15 दिन बाद ये टिलर हैं छोटे, ये हेल्दी टिलर हैं, तो इस वाली फर्टिलाइज़र से ये जो ये नीचे टिलर हैं ये अच्छा टिलर है, तो इस वाली फर्टिलाइज़र से हमारी जो गंदम है वो जल्दी कवर अप कर जाएगी। उससे ये होगा कि हफ्ते के अंदर अंदर गंदम बिल्कुल स्मूथ आ जाएगी, जो ज़मीन के अंदर मॉइस्चर है हम उसी से ही इसको यूरिया को छटा कर रहे हैं। हाँ, इसमें फिर ये भी होती है हमारी अप्रोच, शाम को हम छटा करवाते हैं, शाम को छटा करवाने का जो होता है उसमें एवोपरेशन यूरिया की कम होती है, यूरिया एवोपरेट नहीं होती जितनी लगती है। अभी हम छटा करवा रहे हैं तो आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर ना आपको नज़र आ रहे होंगे कि यहाँ पर शबनम पड़ना शुरू हो गई है, ये एक टिप है, ये वाली ये इसके अंदर ही इसी पर ही आप देखें
तो पानी के कतरे यहाँ पर बैठना शुरू हो गए होंगे, शुरू हो गए हैं। आपको गंदम में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अभी से ही ये ड्यू पड़ना शुरू हो गई है। ये उसका फ़ायदा ये होता है कि ये यहाँ पर ऊपर देखें तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो हमने खाद छटा की है, जैसे ही हम इसको शाम को छटा करते हैं, विद इन वन एन आवर इसमें हवा में नमी होती है, विद इन वन एन आवर ये ऊपर से ड्यू पड़ना शुरू हो जाती है। तो वो उस ड्यू की वजह से ही ज़मीन में वैसे नमी होती है, आपको चेक करवाई मैंने, बहुत अच्छी नमी है। तो वो जैसे ड्यू पड़ती है वो फ़ौरन डिज़ाल्व होकर रूट्स को लग जाती है। तो ये होता है फ़ायदा शाम को छटा करवाने का। अब ये मेरे नेबर की है, इन्होंने एक बोरी DAP दी थी पहले पानी पर, इन्होंने एक बोरी यूरिया दी थी पहले पानी पर। अब इनकी गंदम का आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर हफ्ता पहले शदीद प्याज थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दिन के अंदर ही किसी वक्त को नहीं देखा तो इन्होंने सारा दिन यूरिया का छट्टा कर दिया। तो उससे ये हुआ कि जो आजकल टेम्परेचर है 22, 23, 24 चल रहा है, तो उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जी इतने हाई टेम्परेचर में अगर आप दिन में छटा करते हैं तो इवेपोरेशन का चांस होता है, आपकी यूरिया का ज़ाय होने का चांस होता है। अगर आप शाम को इसको 3 बजे के बाद बाद प्लान कर लें, 3 बजे के बाद वाली खाद जो है वो ज़मीन का फसल का अच्छा जूस बनती है, वो फिर फसल को लगती है, उसका असर आपको मिलता है, वो वाली खुराक पौधे का हिस्सा बनती है, उसका रिज़ल्ट ये यहाँ पर भी आपको हमारे इस एकड़ में पैचेस नज़र आ रहे हैं। तो इनको रिकवर करने का बेहतरीन तरीका यही होता है। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप फोलिया स्प्रे करें। फोलिया स्प्रे करने से भी गंदम अपना जो है ना वो यूरिया का NPK का आप फोलिया स्प्रे कर दें तो उससे भी जल्दी रिकवर हो जाती है। तो दो ही तरीके होते हैं कि आप इसको फ़ौरन नाइट्रोजन का छट्टा करें या फिर फोलिया स्प्रे करके गंदम को विद इन 1 वीक, आप पानी का इंतज़ार ना करें, विद इन 1 वीक गंदम को रिकवर कर लें। और पानी जब पानी पर आएगी उस वक्त हमारी गंदम इंशाल्लाह ताला फिर रिकवर हो चुकी होगी। थैंक यू सो मच।